हाँ जी ते गाइस, सत श्री अकाल सारिआं नूं, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई फिर से सॉरी इतना लेट व्लॉग आ रहा है। भाई समझ नहीं आता कंटेंट क्या निकाले, मेन रीज़न वही है। ठीक है, तो अभी आज जैसे कि गर्मी छुट्टी चल रही है तो मैंने सोचा कि चलो घर पे हैं तो मास्टर शेफ लवी लवराज, सबको पता ही है, सबने हमारे हाथ का खाना खाया ही है, जिन्होंने नहीं खाया उन्हें भी खिला देंगे बहुत जल्द जब भगवान का इच्छा होगी। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि चलो घर पे हैं तो बटर चिकन बना लिया जाए एक बारी फिर से। पहले बनाया था तो सबको बहुत पसंद आया था, सबको बहुत टेस्टी लगा था, तो एक बारी फिर से बना लिया जाए बटर चिकन। तो बटर चिकन तो बनाएंगे, साथ में एक और बड़ा काम करना है जो कि है जो ऊपर वाला कमरा। आप लोगों को याद होगा मैंने एक व्लॉग में दिखाया था, हमारे छत पे एक कमरा है, क्या बोलते हैं, स्पेयर रूम है, उसे मुझे बनाना है अपना यूट्यूब का शूटिंग स्टूडियो, क्योंकि काफ़ी ऐसी रील्स आएगी, कैसे काफ़ी ऐसे शॉर्ट्स आएंगे जो कि आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत आपको अच्छे लगेंगे देखने में। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक 5 टर्बन कलर के बारे में बताया था, तो वैसे और काफ़ी सारे रील्स आएंगे लाइफस्टाइल को लेके, स्टाइल को लेके रिलेटेड, तो उसको ज़रूर देखना। तो उसके लिए ना प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, जो कि मेरे घर में जगह तो है, मतलब जगह तो है शूट करने के लिए, लेकिन क्या है ना कि अब घर वाले क्या है, अब हम शूट कर रहे हैं तो पीछे से कोई बोल देता है, या अब उन्हें क्या पता, अब घर वालों थोड़ी शांत रहेगा, तुम लोग तो समझ ही सकते हो भाई। तो बस उसी के लिए हम लोग ऊपर शिफ्ट होंगे, तो ऊपर में जाके हम लोग व्लॉग बनाएंगे, तो उस कमरा को भी जाके उसका भी हालत ठीक करेंगे, उसको भी आज से मतलब क्या बोलते हैं रेनोवेट करना चालू करेंगे, तो ताकि आने वाला 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसको पूरा अच्छे से बना देंगे और फिर उसमें अपना शूट्स वगैरह करते रहेंगे। तब तक के लिए कोई और लोकेशन में शूट करेंगे, तब तक आते रहेगा, तो जब वहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा तो वहाँ पे शूट किया करेंगे। तो चलो आप बटर चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे जैसे बैक बेंचर होगे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर का यूज़ करना अच्छे से जानते होगे पढ़ाई छोड़ के। जैसे कि ये मेरा एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पता नहीं शायद इको का पेपर है 12th का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके पीछे गाने भी लिखे हुए थे, ठीक है, बैक बेंचर लोग ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे सारा मैंने लिखा हुआ है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें लगेंगे, ठीक है। तो चिकन मेरा यहाँ पे रेडी है, चिकन मैंने बोनलेस लिया है 500 ग्राम चिकन। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक मिनट एक काम करते हैं, मैं ना क्या बोलते हैं इस को यहाँ कहीं पे लगा देता हूँ, उसके बाद बनाते हैं साथ साथ में। तो गाइस फाइनली इसे मैंने सेट कर दिया है, तो अब सारा सामान धीरे धीरे करके डालते हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और जाएगा, फ़ोन हाथ में था बोल के ठीक से जा नहीं पा रहा था, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, दही डालते हैं अब इसमें, यू नो आप कहा मास्टर शेफ है। चिकन मसाला, चिकन मसाला रेसिपी में नहीं था लेकिन मैं अपने तरफ से थोड़ा सा डाल रहा हूँ क्योंकि खाने में अच्छा लगता है, स्वाद है। चिकन मसाला भी हो गया भाई, इसमें घी भी डालता है मैरिनेशन में, तो घी भी डाल दिया जाए। जो काम करे माना प्यो वो करे देसी क्यों, ठीक है। 2 चम्मच छोटे घी भी डाल दिया है, थोड़ा सा गिरा भी दिया है, कोई बात नहीं, उसको साफ हो जाएगा। उसके बाद हल्की सी 1/2 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार, है ना, सॉल्ट भी डाल दिया। तो मैरिनेशन तो यहाँ पे कंप्लीट है, सब सामान डाल दिया मैरिनेशन का, अब बस इसे मिक्स करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर, इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए करीब करीब 1 घंटा। तो उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, इसे मैं अभी फ्रिज में रख देता हूँ मैरिनेट करके। हाँ तो भाई अब आपको दिखाता हूँ वो जो रूम है, ठीक है। मेरा एक्चुअली ये रूम है एक स्पेयर रूम, लेकिन यहाँ पर रात में मेरे दादाजी सोते हैं, ठीक है। ये रूम में सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरी है वो है कि इसके ऊपर ऐसे कर मतलब टीना का शेड है, ठीक है, जिसके करके गर्मी यहाँ पे इस कमरे में
बहुत बुरी लगती है, ठीक है। तो वही सबसे ज्यादा मेन रीजन है कि यहाँ पे शूट करना आसान नहीं होगा आपको। यहाँ पर पहले सामान दिखाते हैं कितना सामान पड़ा है यहाँ पे। अरे वो ये तो पंखा है दादाजी के लिए, ये सब सामान, ये सब ठीक है, ये सब, ये मेरे बड़े भाई जो बायो का स्टूडेंट है भाई, उसका ये सब सामान पड़ा है यहाँ पे, एक से एक उसने रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी भाई का ही सामान है, काफ़ी केमिकल्स वगैरह वगैरह। तो मेन जो फोकस है वो है इस दीवार में शूट करना, ठीक है। तो इस दीवार से, इस यहाँ से सब कुछ हटा देंगे, पहले दीवार भी अच्छे से साफ करेंगे, सामान सब हटा के फेंक देंगे जिसका भी है भाई समझे, ठीक है। तो सब हटा देंगे, यहाँ पे हम लोग शूट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले मैं फ़ोन को कहीं अच्छी जगह टिका देता हूँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो गाइज जो मेन कैमरा थोड़ा नीचे है, तो हम बैठ के बात करते हैं, खड़ा हो सब। देखो सबसे जो मेन काम है ये जो पीछे में जितना सामान है इसे हटाना है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी हटाते हैं, इसे टाइम लैप्स में शूट करते हैं, क्योंकि टाइम मेरा भी कीमती है, आप लोगों का भी कीमती है। और ये जो काम है मैं दिन में करना चाह रहा था, लेकिन धूप इतनी थी कि आदमी धूप में करेगा ना तो पागल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो देख रहे हो भाई इतनी मेहनत लग रही है करने में, आप रे पसीने छोड़ गए। ये जो सुबह किया होता तो बाप रे हालत खराब हो जाती काफी चीज। मेरे को मेन मेरे को शूट करना है इसे इस एंगल पे, ठीक है, फोन का ऐसे रख के। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए इतनी दीवार इनफ है, ठीक है। तो मैं बस उसी हिसाब से सामान इधर उधर कर रहा हूँ, कोई सामान मैं कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। मेरे को जितनी स्पेस की जरूरत है मैं बस उतना ही स्पेस एक्वायर करूंगा, बाकी सामान यहाँ पे है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर है, ठीक है। तो बस जो सामान है सारा उसको तरीके से सेट कर रहा हूँ, ताकि ना मुझको दिक्कत हो ना घर वालों को अपने सामान रखने में दिक्कत हो। हाँ जी, तो गाइस जैसे आपने देखा कितनी मेहनत करनी पड़ी, घर के काम आने का यही फायदा है भाई, झाड़ू झूड़ू भी अपने ही लगा लिया करो, अच्छा बात है भाई, घर के काम करने अच्छी बात है, ठीक है। तो अब जो आप देख सकते हो पहले जो हाल था और अब जो हाल है इस दीवार का, ठीक है, इतने स्पेस का, ठीक है। ये जो तीन चेयर है इन्हें भी मैं वापस वहीं पे लगा देता हूँ, क्योंकि अब हालत ख़राब हो गई है। आपने तो टाइम लैप्स में देखा मेरी हालत, देखो हाथों की मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो जल्दी जल्दी बस इन्हें यहाँ लगा देते हैं, जमशेद जी की फ़ोटो भी यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे दादाजी सेलिब्रेट करते हैं 2nd मार्च, मतलब 3rd मार्च है, सॉरी 3rd मार्च सब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी लोगों ने यहाँ फोटो लगाई है। मुझे कमेंट करके बताना ये जो फोटो है, ये फोटो मेरे को समर कैंप में मैंने जीती थी बहुत पुरानी छोटे में, ठीक है। तो ये फ़ोटो मुझे अपने सेटअप पे लगानी चाहिए कि नहीं, एक बारी मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो बाकी सब तो मैंने सेट कर ही दिया है, ठीक है, सामान वैसे ही है सारा कमरा में, खाली उसे प्रॉपर एक जगह रख दिया है सारा सामान को, बस जल्दी जल्दी हो जाए, हो जाए क्या हो जाए बस, ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे, अपना चिकन भी मैरिनेट हो चुका होगा फिलहाल तक, तो अब मिलते हैं आपको नीचे, चलिए हम हाथ वगैरह धो लेते हैं, क्या लेंस वगैरह भी गंदा हो गया उसे भी साफ कर लेते हैं। हाँ जी, तो गाइस चिकन भी अब तक मैरिनेट हो चुका होगा, ठीक है। चिकन निकालते हैं फ्रिज से, प्याज वगैरह काटते हैं, टमाटर वगैरह काटते हैं, पेस्ट भी बनाना है, चिकन को भी पैन में टॉस करना है, ठीक है। तो सब कुछ करते हैं, चलते हैं बड़ा। हाँ जी, तो गाइस
पैन वगैरह गरम कर लिया है, मतलब कर लिए हैं, सॉरी पंजाबी फिर निकल गई। चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब फ़ोन को टिकाते हैं कहीं अच्छी जगह पे और बनाते बनाते आपसे बातचीत भी करते रहेंगे साथ साथ में। हाँ जी, तो गाइस हाथ वगैरह धो लिए हैं, ठीक है। तो जो चिकन है आधा जो मैरिनेट हो चुका है उसे वापस से मिक्स कर लिए एक बार जो रेस्ट पे था। कुछ चिकन के पीस हमने पैन पे गरम मतलब पकने के लिए रख दिए। तो जो पीसेज है वो हम कुक करेंगे अबाउट 60%, क्योंकि हमें पूरा नहीं करना है क्योंकि बाद में जब ग्रेवी बनेगी उसमें भी टाइम लगेगा बनने में, इसलिए 60% करेंगे। जो इसे मैंने मतलब क्या बोलते हैं ग्रिल कर रहे हैं या जो भी हम बोलते हैं उसे करीब हमने लिया है 50% के करीब ऑयल और अराउंड 30% बटर, क्योंकि बटर चिकन है तो हल्का सा मतलब क्या बोलते हैं बटर वाला फ्लेवर आना चाहिए। तो करीब एक साइड से एक मिनट हो गए हैं, अब इसे टर्न करते हैं, ठीक है। आप बोलो कि भाई इतना कलाकार है एक हाथ से कर ले रहा है, तो हाँ भाई हम लोग पहला इसी कुक है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसे हम लोग घुमाते हैं चिकन पीस को, ठीक है, इसे ले ही लेते हैं। तो ये तो होते रहेंगे, तो ये जब पूरे हो जाएंगे लास्ट में आपको दिखाएंगे कि ये कैसा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करके क्योंकि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय आपका भी कीमती है मेरा तो कीमती है ही। तो गाइस एक चीज़ और, मैं तो बटर चिकन बना ही रहा हूँ, साथ में मेरी माता श्री यहाँ पे चॉकलेट कुकी बना रही है यूट्यूब से देख के। मम्मी मेरी एक्चुअली मेरी मम्मी पहले कुक थी, मतलब क्या बोलते हैं छोटा में बहुत कुछ उनको बनाने आता था, मतलब बेकरी से रिलेटेड वगैरह वगैरह। अब उनका खून मैं आगे कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। पापा भी मेरे अच्छे कुक है, तो बस अब जल्द कुकी भी बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे। चिकन भी बस लगभग हो ही चुका है, कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे है बस हो चुका है, तो हो जाएगा तो आपको फाइनल दिखाएंगे। हाँ जी, तो गाइस जो चिकन है अपना वो 60% के अराउंड कुक हो गया। एक बार आपको उसकी शक्ल दिखा देते हैं, ये रहा चिकन। अब बारी है ग्रेवी की सारे सामान करने की, तो फटाफट ये सब काटते हैं, ठीक है, काट के आपको मिलते हैं। जी, तो गाइस जो ऑनियन के जो ऊपर के जो कवर होता है मतलब जो छिलका वो हटा दिया, तो फटाफट अभी सबको चॉप करके आपको सीधा मेन कढ़ाई के पास मिलते हैं जहाँ इसकी ग्रेवी बनेगी। तो वहाँ पे आपको साथ साथ में बताते रहेंगे कि मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट लगती है ग्रेवी बनाने में बटर चिकन की, ठीक है। हाँ जी, एक चीज़ और, जीरा, ठीक है, जीरा, दो इलायची, अगर बड़ी है तो एक इलायची, छोटी वाली है तो तीन इलायची, ठीक है। और आपके जो अदरक लहसुन भी जाता है इसमें, यानी जिंजर गार्लिक, वो हमारे पास कटा हुआ तो अभी नहीं है, ना मेरे काटने की इतनी फुर्सत है, तो जो अदरक लहसुन पेस्ट है मैं उसे यूज़ करूँगा क्योंकि काम तो एक ही करेगा भाई, ठीक है। तो बस अब जल्दी जल्दी करते हैं और करके आपको मिल। तो गाइस आपको जल्दी जल्दी एक बार एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि इसमें है क्या क्या। जीरा, इलायची, प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल वाली तीखी मिर्च, नॉर्मल हरी मिर्च, धनिया, क्या बोलते हैं इसे, नमक, ये सब है, ठीक है, काजू। अब जल्दी जल्दी इसे फटाफट सॉटे करते हैं थोड़ा, फिर इसको पेस्ट बनाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, फटाफट इसे करते हैं और आपको पेस्ट बना के मिलते हैं। तो गाइस जो हमारा जो ग्रेवी जो रेडी हो रही है उसे मैंने सॉटे कर दिया है, ठीक है, मतलब मिक्स करके सब मसाले वगैरह सबको मैंने उसे ढक के छोड़ दिया है ताकि हमारा जो ये क्या बोलते हैं जो ग्रेवी है ये जल्दी से मतलब क्या बोलते हैं घुल जाए, तो क्या फिर इसे हम ठंडी करके जल्दी से जल्दी पेस्ट बना। हाँ जी, तो गाइस जो हमारा जो पेस्ट था जो हमने गैस पर रखा था वो गल चुका है, ठीक है, पानी अपना छोड़ दिया है जो वेजिटेबल्स है उसने। अब इसे जल्दी जल्दी ठंडा करते हैं और इसे इस मिक्सर में डालते हैं, क्योंकि गरम गरम डालेंगे तो सिस्टम हो जाएगा एलविस यादव वाला, है ना। तो बस अब इसे जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी ठंडा करते हैं हाथ से ऐसे घुमा घुमा के और आपको फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो गाइस अपना जो पेस्ट है वो हम लोग ने निकाल लिया है पेस्ट, तो पेस्ट की आपको एक बार शक्ल जरूर दिखाना बनती है, दिखानी जरूर बनती है। तो ये रहा हमारा पेस्ट, तो अब जल्दी जल्दी से कढ़ाई में डालते हैं और बनाना चालू करते हैं, क्योंकि भाई टाइम भी हो रहा है, 9 बज रहे हैं करीब करीब, जल्दी जल्दी खाएं, खा के फिर सोएं आराम से।
जी तो गाइस जो तेल है वो गरम हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हो तेल। तो अब जो हमारा जो मैरिनेशन का जो हल्का सा जो मिक्सचर बाकी था पहले उसे डालेंगे, इसे थोड़ा हल्का सा भुनेंगे फिर इसे डालेंगे। तो अब फटाफट डालते हैं, फोन हम रखते हैं क्योंकि एक हाथ से फोन और एक हाथ से ऐसे गैस में करना रिस्क बहुत है, ठीक है। तो गाइस जो पेस्ट वगैरह है वो मैंने सारा डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें बाकी है जार में, इसे जल्दी जल्दी पानी में डाल के पानी में हल्का मिक्स करके डाल देते हैं। तो गाइस भाई लोग ये हमारा बस हो गया है, ठीक है, एक बार इसका शक्ल दिखा दीजिए कैमरा मैन, ठीक है। इसमें हल्का से इसे भून लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, चिकन डालेंगे, नहीं पहले पानी डालेंगे फिर चिकन डालेंगे, थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ जाएगा और बस, और 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई हमारा जो मसाला है वो अभी भी भून रहा है, और एक चीज़ और, मम्मी के ना बिस्कुट बन गए, ठीक है, मैं चुपचाप मुँह में घुसा लेता हुए मम्मी को बिना बताए। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई बहुत सुहाद है, भाई बहुत सुहाद है, भाई बहुत सुहाद है, आपको बताता हूँ भाई ऐसा टेस्ट है ना जैसे आपने वो चॉकलेट ब्रिटानिया केक खाया है, जो चॉकलेट लगाते हैं 10 रुपए के पैकेट 12 रुपए वाले जो आता है, वैसा स्वाद है भाई, एक नंबर स्वाद है। मतलब हम तो बोल रहे हैं मम्मी और हम ना मिलके कोलैब करके कुछ खाने का ठेला ही लगा लेते हैं, मम्मी सुनती नहीं है, क्या बोले। हाँ जी तो गाइस हमारे जो मसाला है वो भून चुका है, ठीक है, चिकन हम इसमें डालेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मसाला गर्म है, छींटे मार रहे हैं मसाला, ठीक है। तो मसाला डाल दिया, एक बड़ी शक्ल दिखा दी जाए कैमरा मैन, इसे जल्दी जल्दी हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। अब इसे 5 मिनट हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई ऐसी रेसिपी बना रही हो जिसमें पानी अलग से डाला जाए तो कोशिश करो कि पानी को वार्म वाटर डाल दो, क्योंकि ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है वो भी नहीं डालना चाहिए, गर्म करके डालो तो क्या आपका जो ग्रेवी है वो भी अच्छी बनेगी और स्वाद भी बढ़िया आएगा उससे। तो गाइस एक बार कैमरा मैन यहाँ दिखा दे, पानी हमने डाल दिया है ग्रेवी के जो अकॉर्डिंग डालना चाहिए था, अब लास्ट में थोड़ा सा और बटर डालेंगे, ठीक है। कैमरामैन पीछे हो जाओ, बटर दिखाने की जरूरत नहीं है, सबके घर में बटर है, ठीक है। ये हमने डाल दिया हल्का सा बटर, ठीक है, बटर डाल दिया, अब साथ ही में हम डाल देंगे धनिया, ठीक है, इतना धनिया नहीं डालेंगे, सर चलो डल गया तो डल गया भाई, ये धनिया ऐसी भी बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। हाँ जी तो गाइस हमारा जो चिकन है, हमारा जो फाइनली डिनर है वो रेडी हो गया है, आपको एक बार ये दिखा दिया जाए। तो ये देखो गाइस, ये हमारा चिकन और जीरा राइस, और ये हमारे प्याज है सैलेड। तो खा के तो अब मैं अपने आपकी तारीफ तो नहीं करूँगा खा के। हाँ जी तो गाइस जो चिकन है वो हमने खा लिया है, चिकन जो बना था एक नंबर बना था, मैं अपनी खुद की तारीफ अपने नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने भी मेरे हाथ का चिकन खाया है, मेरे मामा जी उन्होंने, मासी ने, मम्मी उम्मी ने, जिन्होंने भी खाया उन्हें पता है कि हाँ हम क्या चिकन बनाते हैं, ठीक है। तो बस जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि हमारा जो वो ऊपर वाला कमरा है उसे आज तो हमने साफ़ सफाई कर दिया, कल से उसे कंटिन्यू करेंगे, अच्छा से डेकोरेट वगैरह करेंगे ताकि हम अच्छे से वहाँ पर ब्लॉगिंग कर सकें, लाइटिंग वाइटिंग लगाएंगे सब करेंगे। तो अब फाइनली हाँ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, दिस इज़ लवी लवराज साइनिंग ऑफ, स्टे स्ट्रॉन्ग।